हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर एट विंड स्टॉम एंड साइक्लोन्स गाइस इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो उड़ीसा वाज हिट बाय अ साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ टू किलोमीटर पर आवर ऑन एटीन अक्टूबर नाइनटीन तो एटीन अक्टूबर नाइन्टीन में क्या हुआ था कि उड़ीसा में साइक्लोन साइक्लोन को बोलते चक्रवात हिंदी में ठीक है तो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहां पर साइक्लोन आया उड़ीसा में द साइक्लोन स्मैश्डोर फोर्टी फाइव थाउजेंड हाउसेज मेकिंग सेवन लैक पीपल्स होमलेस ठीक है तो साइक्लोन में क्या इतने हाउसेस क्या स्मैश हो चुके थे और इतने जो लोग थे सेवन लैख पीपल्स होते वो होमलेस बिना घर के हो गए थे घर नहीं था उनके पास ऑन ट्वेंटी नाइन्थ अक्टूबर दिस सेम ईयर अ सेकेंड साइक्लोन विद इवन स्पीड ऑफ टू सिक्सटी किलोमीटर पर आवर हिट उड़ीसा अगेन ठीक है तो उड़ीसा में ही ट्वेंटी नाइन्थ अक्टूबर यानी कि फर्स्ट साइक्लोन कब आया एटींथ अक्टूबर में और दूसरा ट्वेंटी नाइन्थ अक्टूबर में ठीक है जिसकी विंड स्पीड कितनी थी टू सिक्सटी किलोमीटर पर आवर ठीक है इट वॉज अ कंपैन बाय वाटर वेव्स अबाउट नाइन मीटर हाई थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस देयर लाइफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स की जो है डेथ हो चुकी थी प्रॉपर्टी वर्ट करोड़ ऑफ रुपीज वॉज डिस्ट्रॉय इतनी प्रॉपर्टी करोड़ों की जो प्रॉपर्टी थी वो सब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और जो साइक्लोन से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो सब इन पे क्या बट वट आर साइक्लोन्स हाउ आर दे फॉर्म

हम इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम पहले कुछ एक्टिविटीज पढ़ेंगे जिसमें हमें एयर के बारे में भी बताया होगा और हम कुछ एक्टिविटीज ऐसी पढ़ेंगे जिसमें साइक्लोन की कंसर्निंग के जो फीचर्स हैं उनसे वो भी क्या क्लैरिफाई होंगे ठीक है और हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो मूविंग एयर है उसको हम क्या बोलते हैं विंड बोलते हैं ओके इट पॉइंट वन टॉपिक अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है एयर एग्जैक्ट प्रेशर इसके लिए एक्टिविटी एट पॉइंट वन देखेंगे यू नीड टू बॉइल वाटर इन फॉलोइंग एक्टिविटी ठीक है हमें इसमें पानी बॉइल करने की जरूरत पड़ेगी इन एक्टिविटीज में टेक अ टिन कैन विद अ लिट फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विद वाटर हीट हीट द कैन ऑन कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉयल ठीक है आपको क्या लेना है एक टिन कैन लेनी है लीड के साथ ठीक है और उसको अप्रोक्सीमेटली आधा पानी से भर लेना है ठीक है और फिर कैन को आपको हीट करना है कैंडल फ्लेम पे जब तक करना है जब तक कि पानी क्या है उबल ना जाए बॉयल ना हो जाए ठीक है लेट द वाटर बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट कुछ मिनट के लिए पानी को उबलने दो ब्लो आउट द कैंडल इमीडिएटली पुट द लीड टाइटली ऑन द कैन ठीक है आपको क्या करना है लिड को कैन के ऊपर टाइटली रखना है बी केयरफुली इन हैंडलिंग द can. कैन पुट द कैन केयरफुली इन shallow मेटेलिक वेसल और वॉश basin. ठीक है तो आपको क्या करना है केयरफुली शेलो मेटेलिक वेसल को uh, में डाल देना या में, है या वॉश बेसिन में ठीक है पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन What हैपन टू द शेप ऑफ कैन अब जो हमने क्या है उसमें उसके ऊपर फ्रेश वाटर डाल सकते हैं उसके ऊपर फिर देखेंगे कि जो कैन है उस पर क्या असर पड़ा उसका क्या शेप हो गई उसकी कैन यू गैस बाय द शेप ऑफ कैन गेट डिसऑर्डर्ड आपने ये आ, गैस कर सकते हैं आप कि जो आ, कैन है उसकी शेप डिसऑर्डर्ड क्यों हो गई इफ यू कांट गेट अ टिन कैन का सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल अगर आपके पास टिन कैन नहीं है तो आप एक सॉफ्ट शो, प्लास्टिक बोतल भी ले सकते हैं फिल इट विद हॉट वाटर उसको गर्म पानी से भर लीजिए एम्पटी द बोटल एंड इमीडिएटली क्रैप इ, आ, कैप इट टाइटली प्लेस द बोटल अंडर रनिंग वाटर ठीक है उसी में आपको क्या करना है थोड़ा सा आधा बोतल में उसको पानी भर लेना है उसको बॉईल करना है और उसको उसके ऊपर कैप लगा देनी है और फिर उसको निकाल के देख सकते हो आप उसकी उसका साइज वो कैसे हो जाएगी शेप रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस इज वैन यू फ्लाई अ काइट डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर योर बैग हेल्प आप कुछ एक्सपीरियंस देख सकते हो जो तुम्हारे साथ होंगे जैसे कि देखिये जब आप पतंग उड़ाते हो तो आप जिधर जिधर की तरफ की हवा होती है विंड होती है हो, उधर की तरफ ही पतंग उड़ती है इफ यू आर इन अ बोट अगर आप बोट में हैं इट इज इट क्लियर टू रो इट इफ देयर इज विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू लाइट अ बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विन अगर हवा अपोजिट डायरेक्शन की और आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है साइकिल से तो आपको क्या है साइकिल चलाने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर इन टू द बाइसिकल ट्यूब टू कीप इट टाइट आल्सो यू नो दैट बाइसिकल ट्यूब ओवर फिल विद एयर मे बस्ट वट इज द एयर वट इज द एयर डूइंग इन साइड द ट्यूब आपने देखा होगा कि जो बाइसिकल होती है उसके जो टायर होते हैं उसमें हवा भरते हैं हम ठीक है अब वो हवा अगर ज्यादा ओवर है तो क्या हो जाएगा वो ब्लास्ट हो जाएगा ठीक है तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो ट्यूब के अंदर एयर है वो उसके अंदर क्या करती है मतलब उसका क्या काम है डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब कीप इन कीप इट इन शेप ऑल दीज एक्सपीरियंस शो दैट द एयर एक्सपर्ट एक्जर्ट प्रेशर ठीक है जितने भी हमने ये एक्सपीरियंस देखे हैं पढ़े है इनसे ये पता लगता है कि एयर जो है वो प्रेशर को एग्जर्ट करती है इट इज ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव ऑफ ट्रीज बैनर्स और फ्लैग फ्लटर वेन द विंड इज ब्लोइंग यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसिस विथ शो दैट एयर हैज प्रेशर आप कुछ और एक्सपीरियंस भी लिस्ट बना सकते हो उन चीजों की कि जिससे हमें पता लगे कि एयर हैज प्रेशर एयर के पास अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन वाई द कैन गेट डिसोल्टेड एज वाटर पोर्ड ओवर द कैन सम स्टीम इन द कैन कंडेंस इन टू वाटर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इन साइड ठीक है अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो कैन है वो डिसोर्टेड क्यों है ठीक है बाय एज द वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन जब हमने वाटर के ऊपर कैन के ऊपर वाटर पोर्ट किया तो कुछ स्टीम जो थी वो क्या हो गई कंडेंस हो गई वाटर में कैन की ठीक है और जिससे क्या हो गया कि रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड जो एयर की अमाउंट थी उसके अंदर वो क्या हो गया रिड्यूज़ होने लगी द प्रेशर ऑफ़ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीज देन द प्रेशर एग्जाइटेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन ठीक है और जो प्रेशर था एयर का उस कैन के अंदर वो क्या हो गया डिक्रीज होने लग गया और बाहर के प्रेशर ज़्यादा था ठीक है बाहर का प्रेशर से वो क्या कम होने लगा एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट द कैन गेट कंप्रेस्ड ठीक है और यही कारण है यही रिजल्ट निकल के आया कि कैन जो है वो क्या हो गई कंप्रेस्ड हो गई क्या हो गई कंप्रेस्ड दिस एक्टिविटी अगेन कन्फर्म दैट एयर एग्जैक्ट प्रेशर और इस एक्टिविटी से हमें अगेन ये पता लग गया है कि एयर जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाई स्पीड विन आर एक्म्पेन्ड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर ओके तो ये देखेंगे क्रम्पल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इंटू अ बोल ऑफ साइज स्मोलर देन द माउथ ऑफ एन एम्पीटी बोटल आपको क्या लेना है एक पेपर का पीस लेना है उसको क्रम्प कर लेना है ठीक है uh, और फिर उसको और उसको ज्यादा इतना मतलब छोटे उसमें करना है कि जो बोतल हो उसके साइज से वो कम हो ठीक है होल्ड द एम्पटी बोटल ओन इट वन साइड एंड प्लेस द पेपर बोल जस्ट इन साइड द इट्स माउथ ठीक है और आपको क्या करना है कि एक एम्पटी uh, लेनी है और उसके जो माउथ है ठीक है वहां पर आपको क्या करना है जो आपने क्रम पेपर यानी कि आपने जो पेपर को क्रम्बल किया था उसको उसके मुंह के ऊपर रख देना नाउ ट्राई टू ब्लो द बोल टू फोर्स इट इंटू द बोटल ट्राई द एक्टिविटी विद बोटल ऑफ डिफरेंट साइज और डिफरेंट डिफरेंट साइज की बोटल के साथ आपको एक्टिविटी ट्राई करनी चाहिए चैलेंज योर फ्रेंड इफ दे कैन फोर्स इफ दे कैन फोर्स द पेपर बोल इन बाय ब्लोइंग इन टू द बोटल पहेली एंड बोझो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन पहेली और बोझो के दिमाग में क्वेश्चन आया है वाई इज इट डिफिकल्ट टू तो फोर्स द पेपर बोल इन टू द बोटल की ये मतलब पेपर बोल को बोटल के अंदर वो करने में फोर्स लगाने में इतनी डिफिकल्टी क्यों होती है तो इसका क्वेश्चन एक्टिविटी एट पॉइंट थ्री को पढ़ने के बाद पता लगेगा तो देखता है ब्लो द बेलून्स टेक टू बलून ऑफ एक् अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज ठीक है आपको दो बेलून लेंगे अप्रोक्सीमेटली सेम साइज के ठीक है पुट अ लिटिल वाटर इन टू ब्लो अप बोथ द बैलून एंड टाई ईच वन टू अ स्ट्रिंग हैंग द बैलून एट टू टेन सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल स्पोक और अ स्टिक ठीक है आपको किसी स्टिक पे जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है कि आपको ऐसे एट टू टेन टेन सेंटीमीटर दूरी पर रख लेना है ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बेलून वट डी वट डिड यू एक्सपेक्ट आपने क्या एक्सपेक्ट किया है वट हैपन क्या ओवर ट्राई डिफरेंट वे ऑफ ब्लोइंग ऑन द बलून टू सी वट हैपन आपको क्या करना है अलग अलग तरीके के ब्लॉइंग्स वे ऑफ ब्लोइंग ऑन अ बलून ठीक है और देखना है कि क्या होता है ये सब एक्टिविटीज आपको खुद करनी है घर पर ठीक है और आप इसमें अपने फ्रेंड की हेल्प भी ले सकते हैं टीचर की हेल्प भी ले सकते हैं एक्टिविटी एट पॉइंट फोर देखेंगे कैन यू ब्लो ब्लो एंड लिफ्ट ठीक है होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर आपको क्या कर लेना है एक स्ट्रिप लेनी है पेपर की ट्वेल्व ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग एंड थ्री सेंटीमीटर वाइड ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए और थ्री सेंटीमीटर वाइड ठीक है बिटवीन योर थम एंड फॉरी फिंगर एज यू शो इन फिगर एट पॉइंट फाइव नाव ब्लो ओवर देपर ये जैसा आपको इसमें फिगर में दिखाया हुआ है कि आपको ब्लो करना है एयर में ऐसे पहली थिंग दैट द स्ट्रिप विल लिफ्टेड अप बोजो दैट द स्ट्रिप विल बैंड डाउन अब देखो पहली सोच रही कि जो स्ट्रिप है वो लिफ्टेड अप होगी यानी कि ऊपर की तरफ होगी और बोजो सोच रहा है कि वो बैंड डाउन यानी कि नीचे की तरफ होगी तो वट डू यू थिंक टू वट डू यू थिंक विल हैपन है पेपर तो आप क्या सोच रहे हो कि पेपर के साथ क्या होगा आप उसको एक्टिविटी को करके देखो तो आपको पता लगेगा लेट एस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी एट पॉइंट टू एट पॉइंट थ्री एट पॉइंट फोर ओके तो अब इनके ऑब्जर्वेशन देखते हैं किसी एक्टिविटी एट पॉइंट टू एट पॉइंट थ्री और एट पॉइंट फोर एक्टिविटीज की फॉर दबेशन अलॉन्ग द लाइन डू यू गैट द फीलिंग टू में है वैन वी ब्लो इन टू द माउथ ऑफ बॉटल द एयर नियर द माउथ हैज हायर स्पीड ठीक है जो एयर हमारे माउथ के पास जो एयर है उसकी स्पीड क्या होगी सबसे ज्यादा हाई होगी दिस डिक्रीज द प्रेशर द एयर जो कि क्या है ये प्रेशर को द एयर प्रेशर इन साइड द बोटल इज हायर देन नियर द माउथ जो एयर प्रेशर बोटल के अंदर है वो क्या है हायर mm, है माउथ के पास से ठीक है द एयर इन साइड द बोटल पुश इज द बॉल आउट जो एयर है बोटल के अंदर वो क्या है बोल को पुश बाहर की तरफ पुश करेगी ठीक है इन एक्टिविटी एट पॉइंट थ्री यू सा दैट वेन यू ब्लू ब्लू बिटवीन द बलून दे मूव टीका वो दोनों क्या है आपस में एक दूसरे की तरफ जाएंगे हाउ कुड दिस हैपन ये कैसे हुआ दिस कूड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बैलून व सम हाउ रिड्यूज ठीक है क्या होगा प्रेशर क्या हो जाएगा रिड्यूज हो जाएगा द प्रेशर आउटसाइड द बेलून वुड दैन पुश दैम टुवार्ड ईचर ठीक है और इसी कारण वो एक दूसरे की तरफ क्या हो जाएगा एक दूसरे एक्टिविटी फोर में है कि जब हमने वेन यू ब्ल्यू ओवर द पेपर स्ट्रिप जब हमने पेपर स्ट्रिप के ऊपर ब्लो करा तो क्या है वो अपवर्ड गया और जब दोबारा जब हमने नीचे की तरफ करा तो वो क्या नीचे की तरफ गया स्ट्रिप वी सी दैट इंक्रीज विंड स्पीड इज एक्म्पैंड बाय अ रिड्यूज एयर प्रेशर ठीक है यानी कि इंक्रीज विंड स्पीड जो है वो क्या होगी एक्म्पैंड होगी किसके द्वारा रिड्यूज एयर प्रेशर के द्वारा ओके कैन यू इमेजिन बट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड ब्लो ओवर द रूफ ऑफ बिल्डिंग क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि जब क्या होगा जब हाई स्पीड विंड जो है वो रूफ या बिल्डिंग्स के रूफ ऑफ बिल्डिंग यानी कि बिल्डिंग के रूफ के ऊपर से ब्लो करेगी इफ़ द रूफ सॉरी इफ द रूफ वर वीक दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे ठीक है अगर जो रूफ क्या है वो वीक होगी तो वो क्या हो जाएंगे लिफ्टेड हो जाएंगे और ब्लोन अवे हो जाएंगे ओके इफ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विद योर फ्रेंड और अगर आपने ऐसा कहीं देखा है तो आप अपने फ्रेंड के साथ उसको शेयर करें लेटस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड आर प्रोड्यूस अब हम ये समझेंगे कि विंड कैसे प्रोड्यूस होती है हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन डिस्ट्रक्टिव समथिंग ठीक है तो वो क्या वो बारिश कैसे लाती हैं और क्या डिस्ट्रक्ट किसी चीज को डिस्ट्रक्टिव कैसे करती है यू ऑलरेडी नो दैट वेन एयर मूव इट इज कॉल्ड विंड यह आपको पहले ही पता है हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जब भी बता दिया है कि जो एयर मूव होती है उसको हम विंड बोलते हैं ओके एयर मूव फ्रॉम एयर मूव फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज लो ठीक है तो एयर कहां से कहां तक मूव करती है एयर उस रीजन से मूव करती है जहां पे कि एयर प्रेशर क्या होता है हाई होता है और कहाँ तक मूव करते है जहां पे कि एयर प्रेशर लो होता है द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उनमें उतनी ही हवा जो है तेज चलेगी बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंसेज क्रिएटेड इन नेचर अब हम प्रेशर को कैसे क्रिएट करेंगे नेचर में ठीक है डिफरेंस करने के लिए इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन वर्ड द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस ठीक है जो अभी ये एक्टिविटीज आ जाएंगी इनसे हमें आगे पता लगेगा कि इन क्वेश्चन के ये, ये वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का हमें आंसर इन एक्टिविटी में मिलेगा ओकेज इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स फैमिली एंड क्लासमेट्स ऑल्सो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज थैंक यू